हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बिना किसी टेम्प मेल या बिना किसी वेबसाइट के आप लोग फेसबुक पर अनलिमिटेड फेक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं भी स्किप करके मत जाइएगा। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा जिसके बाद आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा फेक अकाउंट, तो आपका अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप करके मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा। ठीक है, पहले आपको फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है। फेसबुक अकाउंट जैसे ही ओपन कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा, आपका रियल आईडी यहाँ पे लॉगिन होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, चलिए मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे ओरिजिनल आईडी को लॉग आउट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको लॉग आउट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे आपको फेक अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू अकाउंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। हम इस ऑडियो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, सब कुछ अलाउ कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे जिस भी नाम से आप अपना फेक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है, यानी कि नाम को फिलअप कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, तो आपको अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना होगा, तो जो जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सिलेक्ट कर लीजिएगा, और आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए एक मोबाइल नंबर डालने को बोलेगा, तो आपको फेक अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको अपना रियल नंबर नहीं डालना होगा। तो मैं यहाँ पे आज आपको ईमेल आईडी से फेक अकाउंट कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ईमेल आईडी का यूज करके आप फेक अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि देखिए नीचे में एक सिंग अप विथ ईमेल एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से सिंग अप विथ ईमेल एड्रेस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आप जो रियल ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ से आपको रियल ईमेल आईडी को चूज नहीं करना है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट के नीचे यूज ए डिफरेंट ईमेल, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको यहाँ से कट कर देना है, आपसे संपर्क किया जा सके है। और यहाँ से कट कर लेने के बाद सिंपली आपको इसे मिनिमाइज कर देना है और आपको गूगल ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल ओपन कर लेने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है टेम्प मेल। जैसे ही टेम्प यहाँ पे लिखिएगा तो देखिए नीचे में यहाँ पे शो कर रहा है टेम्प मेल, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही टेम्प मेल पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा टेम्प मेल का एक यहाँ पे वेबसाइट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ देर सर्च लेगा और यहाँ पे आपको नीचे में देखिए जो योर टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस आपको दिखाई देगा, यानी कि ईमेल आईडी दिखाई दे देगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो देखिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी कर लेने के बाद इसको मिनिमाइज करके यहाँ से अपने फेसबुक के अकाउंट पर आ जाना है। फेसबुक अकाउंट पर आ गया हूँ, और यहाँ से आपको यहाँ पर टैप करके रखना है और इस ईमेल आईडी को यहाँ से पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो अपने हिसाब से पासवर्ड डाल लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड को फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर लिया हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। डन जैसे ही कर लीजिएगा तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड वेरीफाई हो गया है, तो यहाँ से आपको सिंग अप कर लेना है। सिंग अप पे जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको कुछ देर सर्चिंग लेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। इसको मैं नॉट नाउ कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आने के बाद सिंपली अब आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ से फिर से नॉट नाउ कर लेता हूँ। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे चल के आप भूल भी जाते हैं तो इस फेक आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद सिंपली यहाँ से आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके कीजिएगा तो यहाँ से आपको नेक्स्ट के नीचे जो दिखाई दे रहा है कंफर्म विद कोड इंस्टेड, तो यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन कोड आपको डालने को बोलेगा। तो यहाँ से कंफर्मेशन कोड कहाँ से आएगा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, यहाँ से मिस मत कीजिएगा। कंफर्मेशन कोड के लिए फिर से आपको इसको मिनिमाइज करना है और गूगल के अकाउंट वाला पे आ जाना है जहाँ से ईमेल आईडी आप लोगों ने कॉपी किया था। तो देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एक इनबॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इनबॉक्स के नीचे आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि 43917 इज योर फेसबुक कंफर्मेशन कोड, तो यही आपका कंफर्मेशन कोड है। तो आपको इसे चाहे तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं या यहां से याद करके वहां पे आप फिलअप कर सकते हैं। चलिए मैं वहां पे फिलअप कर लेता हूं। देखिए यहां पे आने के बाद आपको यहां पे कंफर्मेशन कोड फिलअप कर लेना है। तो ये कंफर्मेशन कोड को यहाँ पे फिलअप कर लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है। जैसे ही डन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सर्चिंग लेगा, कुछ देर आपको वेट कर लेना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन कन्फर्म्ड, चाहे तो आप यहाँ से गैलरी का फोटो लगा सकते हैं या आप यहाँ से स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए मैं स्किप कर लेता हूँ, सब कुछ यहाँ से स्किप कर देता हूँ। लोग देख सकते हैं कि आपका फेक अकाउंट बनकर रेडी हो गया है। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आपको मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिया हूँ कि आप ऐसे फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।